आश्रम से चेकआउट कर दिया है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बागा. आज अब नेक्स्ट टू डेज हमारा स्टे वहाँ पे. विष्णु भी हमारे साथ बट वो अभी ड्राइव कर रहा था, तुम उधर ध्यान दो. सो गाइस लास्ट बहुत अच्छा था हमारा स्टे आश्रम में और हमें मन नहीं था बागा में, बट ठीक है हमारे ऑलरेडी बुकिंग्स की हुई थी तो वी थॉट कि वहाँ भी रह के देख लेते. क्राउडेड बागा एंड ऑल एंड आश्रम क्या था एक्चुअली रिलैक्स एंड ऐसे टाइम में कम क्राउड भी है तो इट्स बेटर. यस एंड आश्रम एंड मोरजिम आर एक्चुअली वेरी गुड. आरंबोल जो हम शाम में गए थे वो बहुत क्राउडेड था तो हमें तो अच्छा नहीं लगा वो. एंड लेट्स सी कैसा रहता अभी नेक्स्ट टू डेज हमारा बागा में. Guys, we are here at Baga. This is our stay for 2 days. A Little India Cottages नाम है. ऐसा कुछ खास तो नहीं लगा हमें यहाँ पर. This is the room. And ये view भी यहाँ पे direct reception के बगल में है. The beach is nearby. कुछ पे अगर किसी लोगों को शाम वाम में चल करना है, TV वगैरह देखना रहता है तो वो सब facility है नहीं. So guys, today's lunch at Jamun Goa. यहाँ की थाली बहुत अच्छी हमने सुना है. आज की स्पेशल बात क्या है कि विष्णु भी आज वेज खाने वाला है. This one, right? This one. Yeah. Okay, this is the private dining room. Yes. Yeah. Many of you requested for me and Anupam's workout videos, but workout video तो possible नहीं है. हम लोग आज दिखाएंगे आप लोगों को हमारे खाने का वीडियो. Guys, अभी workout video तो नहीं, जैसा बताया था we'll be doing एक थाली video. He is a vegetarian beast. So जो लोग पूछते हैं ना कि हाँ सब लोग वेजिटेरियन खा रहे हैं. Yes, सब वेजिटेरियन है. लोगों को लगता है कि वेज में बॉडी नहीं बनती है, बॉडी देख लो बंदे की. वेज खा के भी सब बनता है यार, मेहनत करोगे क्यों नहीं बनेगा. मेरी बन गई तुम्हारी और अच्छी बन जाएगी. सो गाइस जो लोग भी सोचते हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि पनीर खा के या सोया खा के कैसे फिजिक बनाएंगे, आई ऑल्सो शेयर अ पिक्चर ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन. आप देखना इसके बाद और बताना कि वेज में कैसी बॉडी बनने से होगा. यप. जगदीश अभी एक्सप्लेन कर रहा है. सो दिस इज केयर सांगरी कोफ्ता. दिस इज द फ्राइड अनियंस ऑन टॉप. दिस इज धन्नी दाल. इट्स अ पारसी स्टाइल तोर दाल प्रिपरेशन. दिस इज पनीर मखनी, जीरा राइस एंड अ केरला वेजिटेबल स्टू. दीज टू थिंग्स आर द स्ट्रॉन्ग वंस. दिस इज अ दहीके कबाब, द मूंग दाल चटनी, रायता एंड जामुन पूरी एंड अ फुल्का. दही के कबाब देखो अनुपम एक्सप्लेनिंग अबाउट दही के कबाब. नाइस. आप जो है अनुपम अभी ये सब खाने के बाद थोड़े बहुत मेरे को सीधे खा दी. चलो गाइस लेट्स एंजॉय दिस मील एंड मीट यू आफ्टर दिस मील. जामुन आके जामुन मॉकटेल, इट्स रियली गुड. हेलो फैंस ये देख लो. बॉडी बिल्डिंग का सीक्रेट आज आपको पता चल ही गया होगा. शेडिंग का राज. जामुन से उर्वित खाओ और बॉडी बनाओ. गाइस वी आर एट द रॉयल एनफील्ड गराज कैफे. सो हियर देयर इज अ शोरूम फॉर रॉयल एनफील्ड. एक म्यूजियम भी है एंड कैफे भी है.
बहुत दिन से विष्णु को मन भी था एक बाइक लेने का, ले नहीं रहा है बट देख के खुश हो रहा है। Should I get one guys? लेना चाहिए क्या? एक इंटरसेप्टर है। This is the Royal Enfield showroom and this is the new Meteor 6 350. Yeah, looks good. एकदम मस्त है, द एक्सेसरीज एंड द बाइक्स एंड एवरीथिंग इट्स सुपर कूल। देख के एकदम से मन हो रहा बाइक लेने का गाइस। सो सॉरी गाइस, अभी ये इतनी भूख लगी थी हमें, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो ये बर्गर आया तो हम दिखा नहीं पाए। दिस इज अ चिकन बर्गर एट रॉयल एनफील्ड कैफे, इट्स वेरी गुड। And Ritika has ordered this YY chaat. ये ऐसा दिख रहा है, you yourself need to prepare this chaat. Ritika, बनाओ chaat, बनाओ चलो। ये लो, ये देखो गाइस, स्पून के पीछे रितिका का स्क्रू टाइट करने के लिए कुछ है। दिमाग का। वेरी फनी। आई एम वेरी फनी। गाइस, लास्ट डे है चीट मील का, तो आज खत्म आज के साथ, कल से वापस बैक टू द ग्राइंड। कैसा है चाट? बहुत अच्छा है, चाट जैसा ही है बस कुछ अलग है। चलो टेस्ट करते हैं। मस्त है। Hey guys, आपके लिए। Hey guys, so finally we are back from Goa and यहाँ गोवा से केरला आकर हमें almost 10 to 14 days का quarantine करना पड़ा and so sorry for the delay in this video. Actually कुछ quarantine and कुछ laptop में problems की वजह से ये video edit करने में और डालने में थोड़ा सा time लग गया, so please forgive us. एंड होपफुली अब हम कोशिश करेंगे कि एवरी वीक हम दो वीडियोज़ अपलोड करें। एंड जो चैलेंज लिया था हमने कि 30 डेज में 30 वीडियोज़ अपलोड करेंगे, वो सक्सेसफुली अभी कम्प्लीट कर पाए हैं हम। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड काफ़ी रिफ्रेशिंग था राइट इसे का वहाँ पर। As part as that I missed the gym में वर्कआउट जो वहाँ पे करते थे वो बहुत ही मिस करते हैं। यहाँ पे तो अभी फिलहाल होम वर्कआउट्स कर रहे हैं हम, एक छोटा सा इक्विपमेंट सेटअप किया है, वो होपफुली आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि क्या होम जिम इक्विपमेंट हमने सेटअप किया, काफ़ी अच्छा है। अभी एटलीस्ट एक बात है कि हैवी लिफ्टिंग जो है वो कभी मिस नहीं होगा, वो प्रॉब्लम हो रहा था पिछले 6-8 महीने में, वर्कआउट्स बहुत मिस हो रहे थे हमारे। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो डू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। गाइस थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू हैव शोन एंड इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियोज बनाते रहे। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट अस टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।